हरियाणा के फरीदाबाद में भारी बारिश लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है। अंडरपास में भरे पानी में एक कार डूबने से दो लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार सवारों को अंडरपास की तरफ जाने से रोका था, लेकिन उन्हें गाड़ी नहीं रोकी और इसकी वजह से अंडरपास में पानी में यही कार डूबती नजर आई, उसमें सवार लोगों की मौत हो गई है। हादसे में निजी बैंक के एक वाइस प्रेसिडेंट और उनके सहयोगी कर्मचारी की मौत की खबर है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ उस जगह न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची और हालात देखे। अभी भी अंडरपास में पानी भरा हुआ है और वहां एक चेतावनी का बोर्ड भी लगा हुआ है। फरीदाबाद के उसी अंडरपास पे हमारी मौजूदगी है जहां पर पानी भरने की वजह से दो लोगों की मौत हो गई। मैं इस अंडरपास की बिल्कुल शुरुआत में हूं और मैं यहां आपको तस्वीर दिखा रही हूं कि अंडरपास जैसे ही शुरू होता है तो यहां पर एक सूचना पट्टी लगाई गई है जिसमें लिखा गया है कि कृपया पानी भरने पर इंजीनियरिंग विभाग के इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। यानी कि ये यहाँ पर ये स्थिति आम है, जिस तरीके से यहाँ के लोग भी बता रहे हैं। यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि हर बारिश में, छोटी बड़ी बारिश में ये अंडरपास यहाँ भर जाता है, यहाँ हादसे होते रहते हैं। भैया लोकल हैं आप, आसपास रहते हैं, ये क्या हाल होता है यहाँ? मैडम यहाँ पर हर बार पानी भरता है, हर बार की समस्या है यहाँ पर ये। अच्छा, हर बार की कोई ना कोई जरूर चला जाता है, पानी भरते ही तुरंत सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, बहुत लोग मर जाते हैं यहाँ। कब से पानी भरा, कितने सालों से? मैडम ये तो हम तो जब से अंडरपास बना जब से ये हाल है। हाँ जी, हर बारिश में? जी जी। उनका कहना है बारिश ज्यादा हो कम हो ये बारिश में पानी यहाँ भर जाता है और ये स्थिति यहाँ के लिए नहीं है। मैं ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पाइप इन्होंने लगाया हुआ है अभी सक्शन आउट करने के लिए, वो जरा देखिए कहाँ कहाँ से फटा हुआ है, कितनी जगहों से फटा हुआ है, यहाँ से वहाँ से, और यही पानी दोबारा वापस जा रहा है। यानी कि पानी को निकालने, एक तरफ तो ये फटे हुए पाइप से दोबारा पानी वापस जा रहा है, दूसरी तरफ नाले का पानी जो है वो अंडरपास पर जा रहा है। तो उधर झारखंड के रामगढ़ में मंदिर में दर्शन करने आया कि श्रद्धालु पानी के सैलाब में ही फंस गया। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच फंसे एक आदमी को कई लोग बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि मंदिर में दर्शन से पहले श्रद्धालु भैरवी नदी में नहाने के लिए गया हुआ था और उसी दौरान तेज बहाव में वो फंस गया और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। तस्वीर झारखंड के रामगढ़ की है जहाँ तेज सैलाब में एक श्रद्धालु फंस गया। दर्शन से पहले डुबकी लगाने गया लेकिन तेज बहाव में फंस गया। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से ज्यादातर नदियों का जलस्तर अब खतरे के निशान से नजदीक पहुंच गया है और इसकी वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान को अब पार करती भी दिखाई दे रही है। लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा की सहायक नदियों में भी उफान है और निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। ऋषिकेश में तो गंगा का जलस्तर प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट के आरती स्थल तक पहुंच चुका है। गंगा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने गंगा किनारे जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। घाट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी होती थी, अब वहां पर भी गंगा का जलस्तर पहुंच चुका है, अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए अब चेतावनी दी जा रही है कि तेज धार से दूर रहें। हरिद्वार और ऋषिकेश की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जल प्रहार की वजह से कई घाट जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में जिन जगहों पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं वहां पर उन्हें चेतावनी दी जा रही है। देश के ऐसे ही कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की वजह से अब बर्बादी का आलम भी देखने को मिल रहा है। क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह जल प्रहार दिखाई दे रहा है। आसमान से इतनी बारिश हुई कि हर जगह सैलाब ही सैलाब नजर आने लगा। बाढ़ की सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर उत्तराखंड के जिम कार्बेट से आई है। जिम कार्बेट के ढेला गांव में पुल पर सैलाब आ जाने की वजह से एक जीप बह गई। जीप काफी देर तक बाढ़ में फंसी रही, इसी बीच वो लहरों का प्रहार सह नहीं पाई और बाढ़ के पानी में बहती चली गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद जीप में बैठे लोगों को बाहर निकाल लिया। जिम कार्बेट की दिल दहला देने वाली तस्वीर जिसकी तेज बहाव में आखिरकार एक जीप बह गई। गनीमत यह रही कि आसपास के लोगों की मदद से उस जीप सवार लोगों को बचा लिया गया। उधर चंपावत में बारिश के बीच में लोहाहाट करीब नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। बहुत बड़े एरिया में लैंडस्लाइड होने की वजह से टनकपुर चंपावत हाईवे बंद हो चुका है। इसके बाद से प्रशासन लगातार हाईवे से मलबा हटाने के काम में जुटा हुआ है, मशीनों की मदद ली जा रही है। हाईवे पर फैले बड़े बड़े बोल्डरों को हटाने का काम तेजी से जारी है ताकि ये रास्ता फिर एक बार खोला जा सके, क्योंकि इसकी वजह से उस
तरह आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। चंपावत में भारी लैंडस्लाइड और ये रास्ता ही बंद हो चुका है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से हड़कंप मचा हुआ है। जोशीमठ के ऋषि मंदिर मार्ग पर पहाड़ों का एक बड़ा मलबा सड़क पर आकर गिर गया और यहां मशीन के सहारे अब इसे हटाने की कोशिश जारी है। सामने आए वीडियो में सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए दिखाई दिए और अब बड़ी मशीनें बुलाई गई ताकि जल्द से जल्द इन पत्थरों को सड़क से हटाया जाए ताकि ये सड़क एक बार फिर लोगों के लिए खुल सके। जोशीमठ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहाड़ का मलबा, बड़े बड़े पत्थर यहां सड़क पर आ गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी बारिश के बाद हालात बहुत भयानक नजर आने लगे। हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक को पार कर चुका है और इसके कारण काठगोदाम इलाके में गौला नदी के किनारे बने 3 मकान बह गए हैं। हालांकि प्रशासन ने समय रहते इन मकानों को खाली करा लिया था जिसके चलते वहां रहने वाले लोगों की जान बच गई, लेकिन देखते ही देखते ये मकान जबरदस्त सैलाब की भेंट चढ़ गए और ये तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई है। हल्द्वानी की ये तस्वीर है जहां उफान पर नदियां हैं तो किनारे पर बसे कई मकान इसमें समाते चले जा रहे हैं। गनीमत यह रही कि इसकी आहट पहले ही प्रशासन को हो गई थी और इसीलिए मकान खाली करवा लिए गए थे, लेकिन जैसे ही जलस्तर बढ़ा किनारे की ये मकान सैलाब में समा गए। बिहार के मुंगेर में भी बारिश की वजह से पूरा शहर टापू में तब्दील हो चुका है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि लोगों का यहां चलना तक मुश्किल हो चुका है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किसी तालाब की नहीं बल्कि सड़क की है। ड्रेनेज सिस्टम दरअसल फेल हो चुके हैं और इसकी वजह से भी मुश्किलें बढ़ गई है। पानी की निकासी ना होने की वजह से सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी आ चुका है। लोग मुश्किलों का सामना करते दिखाई दे रहे हैं। कई दुकानों और घरों में भी पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं अंडरपास में पानी भरने की वजह से भी कई गाड़ियां रास्ते में ही फंसी नजर आ रही हैं। कई दुकानों में ये पानी दाखिल हो चुका है, दुकानदारों को नुकसान हो रहा है तो कई मकानों में भी ये पानी घुस चुका है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, अंडरपास पूरी तरह से डूब चुके हैं और ये सब कुछ हो रहा है मुंगेर में ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होने की वजह से। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।